सीपीसी में यूनिट 4 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 पर। देखिए, न्यायालय में किसी वाद आवेदन या अपील को प्रस्तुत करने के लिए विधि के अंतर्गत एक निश्चित समय सीमा निर्धारित होती है और उसी निर्धारित समय सीमा के अंदर आपको न्यायालय में अपने अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए जाना होता है। यदि आप निर्धारित समय पर अपने अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय में वाद दायर नहीं करते तो फिर आपका ऐसा अधिकार कालबाधित हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आवेदक जानबूझकर समय सीमा की अवहेलना नहीं करता, बल्कि कुछ ऐसी परिस्थितियां उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं जबकि वह समय पर न्यायालय नहीं जा पाता है। ऐसी स्थिति में मर्यादा अधिनियम की धारा 5 उसके विलंब को क्षमा करने का प्रावधान करती है। देखिए, धारा 5 क्या कहती है। अधिनियम की धारा 5 ऐसी अपीलों या आवेदनों को जिनमें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के अधीन किए जाने वाले आवेदन शामिल नहीं हैं, उनके लिए निर्धारित मियाद की अवधि बीत जाने के बाद भी ग्रहण करने का नियम प्रतिपादित करती है, बशर्ते कि अपीलकर्ता या आवेदनकर्ता न्यायालय को इस बात से संतुष्ट कर दे कि कथित निर्धारित समय के अंदर अपील या आवेदन ना करने के पर्याप्त कारण उसके पास थे। देखिए, पर्याप्त कारण क्या हो सकते हैं, इनको हम उदाहरण से समझेंगे। नंबर 1, इलनेस ऑफ द पार्टी मे शेड बी ए गुड ग्राउंड एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटेशन ऑफ एन अपील। देखिए, पक्षकार की बीमारी डिले को माफ करने का एक अच्छा आधार हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में इलनेस ऑफ हिज वाइफ एंड सिस्टर इन लॉ इन सफिशियंट कॉज अंडर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, पत्नी और सिस्टर इन लॉ की बीमारी भी कुछ आपवादिक परिस्थितियों में एक्सक्यूज हो सकती है। रिमेन कन्फाइंड अंडर मेडिकल एडवाइस टू द बेड बीइंग ए पेशेंट ऑफ हार्ट डिजीज इनसफिशिएंट कॉज फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। अगर अपील करता एक हार्ट पेशेंट है और चिकित्सकीय सलाह के कारण वो बेड रेस्ट में है और इस कारण वो अपील टाइम पर फाइल नहीं कर पाया, तो ये भी एक पर्याप्त कारण हो सकता है डिले को कंडोन करने का। प्रिवेंशन ऑफ द अपीलांट फ्रॉम फाइलिंग द अपील ऑन अकाउंट ऑफ हर हैविंग हैड अबॉर्शन एंड कंसिक्वेंट हेमोरेज इज सफिशिएंट। अगर अपील करता महिला है और वो अपील इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उस पीरियड के दौरान उसका एबॉर्शन हुआ है और लगातार रक्त प्रवाह बना हुआ है, इसलिए अगर उसे अपील फाइल करने में डिले होती है तो उसे सेक्शन 5 के अंतर्गत कंडोन किया जा सकता है। इसी तरीके से देखेंगे, डिले ड्यू टू एक्सीडेंट हो जाना पक्षकार का, वो भी एक सफिशिएंट कॉज हो सकता है। डिले ड्यू टू नॉन सप्लाई टू ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पार्टी, और अगर टाइम पर पक्षकार को सूचना नहीं मिली और एक्स पार्टी डिक्री हो गई और इस कारण वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया, तो ये भी एक सफिशिएंट कॉज है कि उसे टाइम पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। डिले इन गेटिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट एंड डिक्री सफिशिएंट कॉज टू कंडोन डिले। देखिए, अगर
अपील फाइल करनी है और टाइम पर उसे सर्टिफाइड कॉपी निर्णय की नहीं मिल पाई है, तो ये भी एक सफिशिएंट रीज़न हो सकता है। अगर अगला रीज़न है कि अगर वो मिलिट्री पर्सन है, सेना का वो है, और किसी कारणवश ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जिस कारण वो अपील फाइल नहीं कर सकता है, तो ऐसे आर्मी पर्सनल को भी कंडोन किया कर दिया जाएगा, उसकी डिले को भी। इसी तरीके से इम्प्रिजनमेंट है पार्टी का, अगर उसे कोई सजा वगैरह हो गई है और इस कारण वो नहीं फाइल कर पा रहा है अपील, तो यहाँ पर भी सेक्शन 5 डिले कंडोन कर देगा। इसी तरीके से मिस्टेक बाय लॉयर नॉट ड्यू टू नेग्लिजेंस इज ए गुड ग्राउंड ऑफ कंडीशन। देखिए, अगर उसने मिस्टेक कर दी है लॉयर ने, पक्षकार की, जिस कारण वो टाइम पर अपील फाइल नहीं कर पाया है, तो भी ये एक ग्राउंड बन सकता है कंडोन करने का। कोर्ट की अगर कोई मिस्टेक हो गई है, न्यायालय से कोई गलती हो गई है, तो वो भी एक सफिशिएंट हो सकता है। तो ये सारे रीज़न हैं जिनके कारण अगर कोई पर्सन टाइम पर अपील फाइल नहीं कर पाता, तो उसे सेक्शन 5 के अंतर्गत उसके उस डिले को कंडोन कर सकती है न्यायालय, अगर वो सफिशिएंट रीज़न दे देता है तो। देखिए, इसमें हम साथ ही देखेंगे कुछ ऐसे एग्जांपल भी हैं जो जिन्हें कि ऐसे कॉजेज हैं, ऐसे कारण हैं जिन्हें कि सफिशिएंट कॉजेज नहीं माना जाता। अर्थात अगर ऐसे कारण आपके पास हैं तो आपका जो डिले है उसे कंडोन नहीं किया जाएगा। अब्सेंस ऑफ प्ली ऑफ रॉन्ग एडवाइस इन लोअर कोर्ट इज़ नॉट सफिशिएंट कॉज टू कंडोन द डिले। देखिए, अगर कोई पक्षकार कहता है कि वो रॉन्ग एडवाइस, गलत सलाह के कारण निचली अदालत में उपस्थित नहीं हो पाया या निचली अदालत में अपना पक्ष नहीं रख पाया, तो ये कोई उसके लिए बचाव का ग्राउंड नहीं होगा और ऐसी स्थिति में उसकी जो डिले है उसे कंडोन नहीं किया जाएगा। अब्सेंस ऑफ काउंसिल इज़ नॉट ए सफिशिएंट ग्राउंड। उसका जो वकील है वो कोर्ट में अब्सेंट रहा, उपस्थित नहीं हो पाया, इसलिए वो टाइम पर अपने केस में बचाव नहीं कर पाया, तो ये भी कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा। एलिगेशन ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट सफिशिएंट कॉज। देखिए, कोई पक्षकार ये कहे कि उसे कानून की नॉलेज नहीं थी, कानून का ज्ञान नहीं था, इस कारण वो नहीं समझ पाया कि कितने समय में उसे कोर्ट में अपना केस डिफेंस करना चाहिए था या अपने केस को कोर्ट में ले आना चाहिए था, तो ये उसके लिए कोई बचाव नहीं होगा कि उसके पास कानून की जानकारी नहीं थी। द बिजनेस ऑफ ए पार्टी, देखिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसका बिजनेस इस तरीके का है कि वो जो है बिजनेस को छोड़कर कोर्ट में नहीं उपस्थित हो सकता, टाइम पर वो नहीं आ सकता, या अपने बिजनेस के संबंध में उसे काफ़ी समय तक बाहर रहना पड़ता है, इसलिए वो टाइम पर नहीं फाइल कर पाया अपील या आवेदन, तो ये भी एक बचाव नहीं होगा, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस नॉट सफिशिएंट टू कंडोन ऑफ डिले। बातचीत नहीं हो पाई पक्षकारों के बीच में या अपने वकील से उसकी बातचीत नहीं हो पाई, तो ये भी एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा। डिले ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ड्यू टू लैक ऑफ द फंड। अगर कहीं पर पार्टी स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार ये कहती है कि हम इसलिए अपील फाइल नहीं कर पाए क्योंकि जो फंड था, जो पैसा था, वो नहीं था हमारे पास और इसलिए हम अपील फाइल नहीं कर पाए, तो ये भी कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। एवरी नेग्लिजेंस और इनएक्शन और मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ एन एडवोकेट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सफिशिएंट कॉज। देखिए, अगर एडवोकेट के तरफ से कोई लापरवाही है या कोई गलती है, तो ये एक कॉज नहीं होगा कि
जो डिले है उसे कंडून कर दिया जाए, यानी डिले को माफ़ कर दिया जाए। फेलियर टू अप्लाई फॉर कॉपी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वैकेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू ए सफिशियंट ग्राउंड ऑफ एक्सक्यूटिव। छुट्टियों के कारण वो कॉपी किसी जजमेंट की या डिक्री की कॉपी फाइल नहीं कर, कॉपी लेने के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए कोर्ट में, इसलिए जो है अपील फाइल करने में देरी हो गई है, ये भी कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं माना जाएगा। तो देखिए, ये धारा 5 में बताया गया है कि कौन से ऐसे रीज़न हो सकते हैं, कौन से ऐसे ग्राउंड हो सकते हैं जिन पर कोर्ट डिले को, यानी एप्लीकेशन या सूट या अपील फाइल करने में पार्टी की जो देरी हो गई है, जिसके कारण वो टाइम बार्ड हो चुका है सूट, उसे कंडोन कर देगी, यानी मतलब उस डिले को माफ़ करके उसे ये राइट दे देगी कि वो सूट फाइल कर सके। और कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जिन्हें कि सफिशिएंट नहीं माना जाएगा। तो ये था सेक्शन 5, विलंब की क्षमा के लिए पर्याप्त कारण कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। धन्यवाद।